हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन के लिए फीचर्स कौन से होते हैं। तो फीचर्स की बात करें हम तो SN1 रिएक्शन हमने देखी है जिसके अंदर हमें इंटरमीडिएट कार्बो केटायन मिल रहा है, आरटीएस कब मिल रहा है या ट्रांजिशन स्टेट कब मिल रहा है, इसकी अभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट SN1 रिएक्शन देख रहे तो वो टू स्टेप, यानी कि वो टू स्टेप रिएक्शन जिसके अंदर हमने देखा फर्स्ट स्टेप इज दैट इज आरडीएस एंड सेकंड वन दैट इज फास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है। तो यहां पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर हमें कार्बो केटायन इंटरमीडिएट मिल रहा है और वो इंटरमीडिएट हमें मिल रहा है और रेट डिटरमाइन स्टेप आरडीएस के लिए जो स्लो स्टेप है। उसके बाद हर एक स्टेप के लिए यानी कि ईच स्टेप हमें एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मिल रहा है, यानी कि हर एक स्टेप के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। उसके बाद काइनेटिक, अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स के लिए अगर रेट की बात करें तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरएक्स के, यानी कि अल्काइल हैलाइड के, जिसे हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं यानी कि एस भी लिख सकते हैं। यहां पे देखें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ही मैटर कर रहा है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1। तो यहां पे आरएक्स के लिए अगर रेट को दिखाना है तो वो सीधा मैटर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमें मिल रहा है यहां पे 1। मॉलिक्यूल की बात करें यानी कि मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है और इसीलिए SN1 रिएक्शन जो है उसे यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन कहते हैं, ये यूनिमोलेक्युलर होती है। जबकि SN2 के लिए बात करें तो वो यूनिमोलेक्युलर नहीं होती है क्योंकि उसके लिए सिर्फ आरएक्स नहीं होता है, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी मैटर करता है। तो यहां पे याद रखना है कि SN1 रिएक्शन जो है उसे हम यूनिमोलेक्युलर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो हमने देखा यहां पे रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर हमें रेसिमाइजेशन मिलता है, उसके अंदर हमें रेसिमाइजेशन देखने मिलता है, रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण वो है कि रिएक्शन का जो रेट है, SN1 रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो वो याद रखना है। अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स है उसकी बात करते हैं अभी। तो उसके अंदर है फर्स्ट नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। सेकंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग ग्रुप कैसा है। थर्ड, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, ये दोनों तो मैटर करते ही, साथ में सॉल्वेंट जो हमने देखा था पीपी सॉल्वेंट और पीए सॉल्वेंट तो वो भी यहां पर मैटर करता है, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डिग्री ऑफ आरएक्स, तो ये भी मैटर करता है। तो ये चार चीजें जो है वो इफेक्ट कर रही है SN1 का रेट क्या होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमने देखा है फीचर्स कौन से होते हैं और अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं उसकी बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।